नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आप सभी का टेक्नी इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं व्हाट्सएप की न्यू ताज़ा गर्मा गर्म ट्रिक। आप एक ट्रिक कह सकते हैं और एक आप नया अपडेट कह सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और ये दोनों फीचर्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो अगर आप भी जान जाते हैं कि कौन से ये दोनों नए फीचर्स, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आते समय लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि कौन से हैं ये दोनों नए फीचर्स। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने WhatsApp को अपडेट करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाके। तो मैंने अपने WhatsApp को अपडेट कर लिया है, हालांकि मैं यहाँ पर WhatsApp बीटा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो फीचर्स बताने वाला हूँ वो आपके WhatsApp में आ चुके हैं। तो मैंने बीटा के ऊपर पहले से एक वीडियो बना के डाल दी थी जब बीटा वर्जन में ये नया अपडेट आया था तब, लेकिन अब आपको बताने वाला हूँ कि आपके फ़ोन में भी आ चुके हैं। तो एक नया फीचर्स भी ऐड किया है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने WhatsApp में। तो आपको सिंपली अपने WhatsApp में आना है और WhatsApp में आने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट है उसको अनलॉक कर लेते हैं, क्योंकि लॉक लगा हुआ था यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है 3 डॉट्स पे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा सेटिंग्स का, तो आपको सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक अकाउंट का, तो आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी पे क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर प्राइवेसी पे क्लिक कर देंगे, तो अब यहाँ पर आपको नीचे साइड पर एक ऑप्शन मिलता था पहले केवल ब्लॉक कॉन्टैक्ट का, तो अब आपको यहाँ पर ब्लॉक कॉन्टैक्ट के अलावा एक नया फीचर्स मिलेगा फिंगरप्रिंट लॉक का आपके WhatsApp में। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये डिसेबल होगा तो आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपको इमिडियंटली लॉक चाहिए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आपको आफ्टर 1 मिनट बाद चाहिए तो आप आफ्टर 1 मिनट पर कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इमिडियंटली पे क्लिक करके रखा है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके WhatsApp के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक आ चुका है, और किस तरीके से इनेबल करना है वो भी आपको पता है, क्योंकि मैंने पहले आपको वीडियो बनाकर बता दिया था। तो अब आते हैं अपने नई ट्रिक की तरफ, कि ट्रिक किस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए हम आपको दूसरे फ़ोन से मैसेज करके दिखाते हैं अपने इस फ़ोन पर, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर देखिए, मैंने अपना कॉन्टैक्ट खोल लिया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली हाई। तो मैंने यहाँ पर हाई लिख दिया है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो मैसेज है वो यहाँ पर ऊपर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके पास एक मैसेज आया है, और जो मैसेज आया है वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई बैठा हुआ है तो वो भी ये मैसेज पढ़ सकता है, चाहे वो किसी का भी मैसेज हो। और अगर आप नहीं चाहते कि ये मैसेज कोई पढ़े, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आपका केवल नोटिफिकेशन आएगा लेकिन क्या मैसेज है वो आपको शो नहीं होगा, यानी कि किसी को भी शो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सिंपली से शो कॉन्टैक्ट इन नोटिफिकेशन इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पर एक मैसेज करके दिखा देता हूँ हाय। तो अब आपका जो नोटिफिकेशन आएगा केवल और कितने मैसेज आए हैं वो दिखाया जाएगा, लेकिन आपका जो मैसेज है वो कोई भी रीड नहीं कर पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको इसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए से आपका अगर कोई मैसेज पढ़ लेता है तो वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल नोटिफिकेशन आएगा, ना कि मैसेज रीड कर पाएगा कोई भी। तो अगर आपको ये महाराज की वीडियो अच्छी लगी हो और ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियो जाना लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।